हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट टैब ऑफ चार्ट टूल्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने कुछ ऑप्शंस डिस्कस की थी फॉर्मेट टैब की, आज हम नेक्स्ट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट में एक चार्ट इंसर्ट करूँगी। आपने इंसर्ट टैब के अंडर इलस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट पर क्लिक करना है। मैं बड़ा ही बेसिक चार्ट क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जो है मैं अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करूँगी। तो जैसे ही मैंने अपने एक चार्ट इंसर्ट किया, आप देख सकते हैं डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब जो है वो ओपन हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैं करंट सिलेक्शन, इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल एंड वर्ड आर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे, अरेंज एंड साइज। सबसे पहले अगर हम साइज की बात करें, अपने हम चार्ट की जो विड्थ है और हाइट है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे साइज ऑप्शन में मेंशन है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपने अपने चार्ट की हाइट को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस आइकन पे, डिक्रीज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे मेरे चार्ट की जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली चार्ट की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगी, आप देख सकते हैं चार्ट की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज के लिए मैं अपर एरो को क्लिक करूँगी। चार्ट का साइज़ आप यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, आप चार्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल्स हैं साइड पे चार्ट के, यहाँ से आप चार्ट की जो विड्थ है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपने माउस की हेल्प से उसको अंदर को लेके जाना है और छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो विड्थ है वो इंक्रीज कम हो गई है। नेक्स्ट उसकी अगर आप लेंथ कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, आप ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले सर्कल पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सिमिलरली आप देख सकते हैं इस तरह आप चार्ट की जो लेंथ है उसको भी कम कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं चार्ट के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। एक तो आपको फॉर्मेट टैब के अंडर मिलेगा, या फिर आप चार्ट पे जाकर इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले अपने चार्ट में एक इंफॉर्मेशन कुछ लिख लेती हूँ। पहले हम यहाँ से चार्ट को डिलीट करेंगे। तो कुछ डेटा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट आ गया है। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट इंसर्ट करूँगी। ये देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में चार्ट इंसर्ट हो गया है। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा कम करते हैं। ये मेरा चार्ट इंसर्ट हो गया है। हम फॉर्मेट टैब के अंडर जाएंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन अरेंज ग्रुप के अंडर है पोजीशन। ये जो ऑप्शन है ये आपके चार्ट को विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट उसकी पोजीशन को डिफाइन करेगा। जैसे जैसे हम इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे तब आप देख सकते हैं आपका जो चार्ट होगा वो वैसे वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट के साथ मूव करेगा। सबसे पहले हम पोजीशन, ये इनलाइन विद टेक्स्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट आइकन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट में आपका जो चार्ट है वो चला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर पोजीशन, ये देखिए। नेक्स्ट है मेरा टॉप सेंटर में मेरा चार्ट प्लेस हो गया है। दिस इज़ टॉप राइट, दिस इज़ मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर पोजीशन। तो आप मिडल सेंटर में आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा चार्ट यहाँ जाके प्लेस हो गया है। तो ये पोजीशन जो आपका ऑप्शन है ये डिफाइन करेगी कि आपका जो चार्ट है विद रिस्पेक्ट टू योर टेक्स्ट वो कहाँ पे पोजीशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जो है ये वो ऑप्शन है जिसमें आपका जो टेक्स्ट होगा वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू योर चार्ट।
इन दोनों ऑप्शंस में यही डिफरेंस है, पोजीशन ऑप्शन में आपका चार्ट मूव करेगा, लेकिन रैप टेक्स्ट ऑप्शन में आपका टेक्स्ट मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू योर चार्ट। चार्ट की एक पोजीशन आपकी फिक्स हो गई है, अब आपका टेक्स्ट जो है वो अपने पोजीशन को चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। सबसे पहली ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट, जैसे मेरा टेक्स्ट इन लाइन है उसी तरह अब आपका जो चार्ट है वो भी इन लाइन है। चार्ट यहाँ पे पोजीशन हो गया है और टेक्स्ट उसके इन लाइन हो गया है। नेक्स्ट है स्क्वेयर, तो ये मेरा स्क्वेयर एरिया क्रिएट हो गया है, तो उसके आसपास जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो भी एक स्क्वेयर बाउंड्री के बाहर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं टाइट। टाइट में अभी आप देख सकते हैं, आप मेरे टेक्स्ट को देखिए, अब आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है थोड़ा और पास आ गया है चार्ट के। नेक्स्ट इज थ्रू। थ्रू ऑप्शन में टेक्स्ट और पास आएगा अगर मेरी इमेज स्क्वेयर नहीं होगी, यहाँ पे मेरा चार्ट जो है वो स्क्वेयर है। नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा टेक्स्ट जो है वो चार्ट के टॉप पे एंड बॉटम पे प्लेस हो गया है। बिहाइंड टेक्स्ट में आपका चार्ट जो है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन में मेरा जो चार्ट है वो टेक्स्ट के फ्रंट पे आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट रैप पॉइंट्स। इस ऑप्शन की हेल्प से आप ये रैपिंग पॉइंट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बाहर की तरफ इनको लेके जाऊंगी तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट भी उसी तरह मूव कर रहा है, ये देखिए। तो जहाँ पे मैंने रैप पॉइंट्स जो फिक्स कर दिए हैं उसके अंदर आपका टेक्स्ट नहीं आएगा, उसके बाहर बाहर टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है मूव विद टेक्स्ट। ये आपका जो चार्ट है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है वो टेक्स्ट जैसे जैसे ऐड होगा या डिलीट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट चार्ट है वो भी क्या होता रहेगा, आपका मूव करता रहेगा। नेक्स्ट इज फिक्स पोजीशन ऑन पेज। इस ऑप्शन की हेल्प से आप चार्ट की एक पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शंस में आपको और ऑप्शंस मिलेंगी, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप डिस्टेंस जो है टेक्स्ट का वो चेंज कर सकते हैं। रैपिंग आप किस साइड पे आपने सिर्फ रैपिंग परफॉर्म करनी है वो सारी ऑप्शंस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक या फिर सिलेक्शन पेन। तो आइए इन ऑप्शंस को एक एक करके यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर करती हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करूँगी। ये मेरा फर्स्ट चार्ट इंसर्ट कर लिया है मैंने। तो इसकी जो हम रैपिंग करेंगे सबसे पहले स्क्वेयर कर दी और इसके साइज़ को मैंने थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। सिमिलरली मैं सेकंड चार्ट इंसर्ट करूँगी, हम पाई चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पाई चार्ट इंसर्ट करूँगी। तो मेरा ये पाई चार्ट इंसर्ट हो गया है। तो इसकी भी हम रैपिंग करेंगे स्क्वायर। तो ये पाई चार्ट जो है मैंने कॉलम चार्ट के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा पाई चार्ट जो है वो कॉलम चार्ट के आगे आ चुका है। अगर मैंने इस पाई चार्ट को कॉलम चार्ट के पीछे लेके जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किया तो मेरा जो पाई चार्ट है वो कॉलम चार्ट के पीछे चला गया है। अब हम अपने कॉलम चार्ट को पीछे लेके जाएंगे तो देखिए पाई चार्ट आगे आ चुका है। तो इस तरह आप कोई भी दो चार्ट को
जो है आगे या फिर पीछे एक दूसरे के लेके जा सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड में वो चार्ट जो है पीछे वाला वो आगे आ जाएगा। आपने सबसे पहले उस चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे देखिए मेरा पीछे कॉलम चार्ट है, मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो मेरा कॉलम चार्ट जो है आगे आ गया है। सिमिलरली अगर मैंने इसको पीछे लेके जाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगी और सेंड बैकवर्ड करूँगी तो मेरा कॉलम चार्ट पीछे जा चुका है। ब्रिंग फॉरवर्ड में आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ये भी, ये अगर आपके दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने तीन चार्ट इंसर्ट किए हैं तो थर्ड चार्ट को जो आपका सबसे पीछे है उसको फ्रंट पे लाना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है ब्रिंग टू फ्रंट। ये ऑप्शन सारे हम ऑलरेडी पिक्चर टूल में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने एक पिक्चर इंसर्ट की थी उसमें भी आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगी, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर टूल वाली वीडियो भी रेफर कर सकते हैं इन ऑप्शंस के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन पेन, इसमें आपके वो सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो आपने करंटली अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए हुए हैं। जैसे मैंने दो चार्ट इंसर्ट किए हुए हैं, दोनों ही विजिबल हैं। अगर मैंने इन दोनों को हाइड करना है तो मैं हाइड ऑल पे कर दूंगी क्लिक, तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों चार्ट जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। अगर मैंने उनको डिस्प्ले करवाना है देन शो ऑल। ये देखिए ये आई शेप का एक आइकन बना हुआ है, अगर आपने स्पेसिफिक किसी एक चार्ट को हाइड करना है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो चार्ट क्या हो गया है, आपका हाइड हो गया है। इस तरह आप चार्ट में सिलेक्शन पेन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन आती है अलाइनमेंट की, कि आपने अपने चार्ट को की जो अलाइनमेंट करनी है वो किस तरह से करनी है। तो हम एक चार्ट यहाँ से डिलीट करते हैं, मेरे पास एक कॉलम चार्ट बचा है। अलाइन, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, ये सारी ऑप्शंस आपकी वर्क करेंगी जब आपके चार्ट के साथ डेटा होगा। जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा था पोजीशन में, सेम उसी तरह हम डेटा लेंगे और उसके साथ अपना चार्ट इंसर्ट करेंगे और अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटा के लेफ्ट पे आपका चार्ट जो है वो दिखाई देगा। तो एक बार हम इस ऑप्शन को करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अपना चार्ट डिलीट करती हूँ, सेम हम इसमें करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट इंसर्ट किया, तो मेरा चार्ट इंसर्ट हो गया है। चार्ट यहाँ पे पोजीशन कर दिया है। अब हमने इसमें इसकी अलाइनमेंट करनी है तो आप देख सकते हैं मैंने अलाइन लेफ्ट किया तो मेरा अब चार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट चला गया है। विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट आपका चार्ट की जो अलाइनमेंट है वो होगी, ये सेंटर में चला गया है, इस तरह राइट में चला जाएगा। तो ये सारी ऑप्शंस की हेल्प से आप चार्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ऑप्शन आती है व्यू ग्रिड लाइंस, इस ऑप्शन की हेल्प से आपकी ग्रिड लाइंस जो हैं वो विजिबल होंगी आपके डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आपका आता है ग्रुप एंड रोटेट, तो सबसे पहले हम ग्रुप ऑप्शन को देखते हैं। ग्रुप ऑप्शन में अगर आपने एक से ज़्यादा चार्ट के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा चार्ट को ग्रुप कर देते हैं। तो ग्रुपिंग का हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि हम उन चार्ट्स के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है इकट्ठे कर सकते हैं, वो एज अ एक चार्ट ही आपका कंसीडर होगा और उस पर जो भी फॉर्मेटिंग आप करते जाएंगे वो सारे चार्ट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम चार्ट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट चार्ट ले लिया है, सिमिलरली मैं सेकेंड चार्ट इंसर्ट करूँगी, मैंने सेकेंड चार्ट इंसर्ट कर लिया है। यहाँ से मैं इसके साइज़ को कम कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं ये दो चार्ट मेरे पास हैं। दोनों की जो टेक्स्ट रैपिंग है वो मैंने कर दी है स्क्वायर।
शिफ्ट की सॉरी कंट्रोल की हेल्प से आप इन दोनों चार्ट्स को सिलेक्ट करोगे। जैसे आप इनको सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट में जो आपकी ग्रुप की ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुकी है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगी, एक ग्रुप और दूसरा अनग्रुप। सबसे पहले ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है। ये दोनों ही चार्ट अब क्या बन गए हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर बन गए हैं। अब जो भी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ वो मेरी दोनों ही चार्ट्स के ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो देखिए मेरी इमेज इंसर्ट हो गई है। तो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपके दोनों ही चार्ट्स के ऊपर जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट है अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों चार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रोटेट। रोटेट ऑप्शन के लिए सबसे पहले मैं इनको दोबारा से इनकी ग्रुपिंग करूँगी। कंट्रोल की मैंने प्रेस किया तो फॉर्मेट में गए, हमने इनको ग्रुप कर दिया। अब मैंने इनको रोटेट करना है तो यहाँ से इसकी जो रोटेशन है वो पॉसिबल है। तो इस तरह आप एक चार्ट, आप किसी भी चार्ट को आगे ला सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, किसी चार्ट को हाइड कर सकते हैं, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको अरेंज टैब के अंडर मिलेंगी और ये सारी ऑप्शंस सेम जैसे हम एक इमेज के ऊपर या पिक्चर के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, सिमिलर वे में हम एक चार्ट के ऊपर भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Thanks for watching my video. Keep supporting us.